Dear students, today we will read your next story. The name of the story is Thief Story. ये जो स्टोरी है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक चोर की कहानी है. A young boy makes friends with Anil. अनिल के साथ एक यंग बॉय ने फ्रेंडशिप की. Anil trusts him completely and employs him. अनिल ने उस पर पूरा विश्वास किया और उसे एम्प्लॉयमेंट भी दी, अपने घर रखा भी, रोजगार भी दिया. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या उस लड़के ने उसका ट्रस्ट तोड़ा? तो अब इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे. ये कहानी आपको ऐसे लगेगा कि वो जो चोर है वो स्वयं सुना रहा है. वैसे ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, परंतु इस कहानी को इस तरह से नरेट किया गया है कि ऐसा लगेगा कि चोर स्वयं ये कहानी सुना रहा है. आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल, कि जब मैं अनिल को मिला तो मैं अभी भी एक चोर था. एंड दो ओनली 15, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, कि मेरे हाथ में बड़ी सफाई थी. बोलता मैं 15 साल की उम्र में ही मैं बहुत ही अनुभवी और बड़ा ही सफल हैंड था मेरा, मतलब हाथ में बड़ी सफाई थी. मैं अपनी चोरी की हैबिट के बारे में बता रहा है. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज. अब वो बोल रहा है कि मेरा पर्पज जो था उसके लिए वो बड़ा ही इजी गोइंग लग रहा था, मतलब मैं आसानी से उसे अपना शिकार बना सकता था. काइंड लग रहा था, सिंपल लग रहा था. और अनिल को डिस्क्राइब किया है, वो टॉल है, लीन है, और वो कहाँ मिले हैं, एक रेसलिंग मैच देख रहा था. तो अब चोर का मकसद क्या हो सकता है, पर्पज क्या हो सकता है? लूटना, चोरी करना. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैनस कॉन्फिडेंस. बोला कि मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता था और मैं उस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को मैं आई माइट बी एबल टू गेट इन टू, मतलब उसका विश्वास जीत सकता था मैं. अब उसने बात कैसे शुरू की, देखना. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. मैंने उनको कहा कि आप स्वयं एक रेसलर लगते हैं. अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी क्या होती है? थोड़ी चापलूसी, मतलब कि जो थोड़ी सी चापलूसी करने से लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसा उसका मानना है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. अब उसने भी क्या जवाब दिया, तुम भी ऐसे लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. बोलते इससे मैं थोड़ा असहज हो गया क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी पतला था. वेल, आई सेड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा. वेल, आई डू रेसल अ बिट, मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम, ये अनिल ने पूछा. हरी सिंह, आई लाइट, मतलब मैंने झूठ बताया. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पॉलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. तो मेरे को पहले जिसने काम पे रखा होता है वो मेरे फॉर्मर पूर्व जो एम्प्लॉयर होते हैं उनसे और पुलिस से मुझे बचा के रखता है, क्योंकि हर बार क्या करता है वो, नाम अपना बदलता है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हू वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. बोलते इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने क्या बातें की, वेल ऑयल्ड रेसलर, मतलब जिन रेसलर्स ने अच्छी मालिश की हुई थी, मतलब अच्छा शरीर बनाया हुआ था, ग्रंटिंग कर रहे थे, एक दूसरे पे गुर्रा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, थ्रोइंग ईच अदर. आई डिडंट हैव मच टू से, बोलते मेरे पास कुछ बोलने के लिए ज़्यादा नहीं था. अनिल वॉकड अवे, अनिल जाने लगा. आई फॉलोड कैजुअली, मैं उसके पीछे उसको फॉलो किया. हैलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने मुस्कुराहट के साथ उसको देखा. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. अब उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. हरी सिंह ने बोला, जो उसने नाम बताया है. बट आई कैनॉट पे यू, अनिल ने बोला. आई कैनॉट पे यू. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजस्ड माई मैन. अब उन्होंने बोला कि मैं एक मिनट के लिए मैंने सोचा
कि कहीं मैंने आदमी को मिसजज तो नहीं कर लिया, मतलब मेरी जजमेंट गलत हो गई। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो। आगे से जवाब आया आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, मैं दोबारा झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop. अब वो उसको अपने कमरे में ले गया, कौन, अनिल हरि सिंह को अपने साथ ले गया। कहाँ पे रहता है वो, Jumna sweet shop के ऊपर रहता है। And told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible. बोलता लेकिन जो मैंने उस रात को भोजन बनाया वो टेरिबल था, भयानक था, because अनिल gave it to a stray dog. मतलब जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उसने अपना भोजन उसको दे दिया जो मैंने बनाया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा कि तुम जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, परंतु मैं वहीं पे रहा और मैंने अपने तरीके से स्माइल किया। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने से ना रुक सका, मतलब वो हंस पड़ा मेरी स्माइल देख के। और मेरे कुकिंग तो मैंने बहुत भयानक की, ऐसा वो चोर बता रहा है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर उसने उसके सर के ऊपर पैट किया, हल्के से थपथपाया और कहा नेवर माइंड, चिंता ना करो। आई वुड टीच, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट हॉल सेंटेंसेस, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि सून जल्दी ही वो उसे क्या सिखाएगा, टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस, एंड टू ऐड नंबर्स, गणित भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बड़ा एहसानमंद था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, उसने कहा कि मैं ये जानता था कि एक बार अगर मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो फिर देयर वुड बी नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं बचेगी जो मैं प्राप्त करूंगा जीवन में, मतलब करनी चोरी है, परंतु जो मैं प्राप्त करूंगा उससे मैं लोगों को ज़्यादा बिट्रे कर पाऊंगा, ऐसा उसका विचार है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मतलब अब अनिल के पास काम करके उसे अच्छा भी लग रहा था, प्लीजेंट खुशनुमा एहसास हो रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अब उसकी दिनचर्या देखिए आप, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, तो जो दिन भर जो दैनिक जरूरत की चीज़ें थी उनको भी बोलता मैं जाता था खरीदने। यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और रोज लगभग एक रुपया मैं उसमें से बचा भी लेता था, सेविंग कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, उसने बोला कि मुझे लगता है कि उसे पता था, अनिल को पता था कि मैं उसमें से पैसे बचाता हूँ, एक रुपया मैं रोज बचा लेता था, परंतु ही डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु उसने कभी माइंड नहीं किया। और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, हेयर यू कैन सी दिस यंग मैन इज, आई थिंक ही इज अनिल एंड ही इज टीचिंग हरि सिंह। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट एक फ्रेज है, इससे होता है कि जो अनिश्चित तरीका होता है, एक तो होता है ना रेगुलर इनकम आती है, तनख्वाह आती है, बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, परंतु उसकी जो मनी थी, वो जो पैसा आता था वो फिट्स एंड स्टार्ट अनिश्चित था, कभी आता था कभी नहीं आता था। ही वुड बोरो वन वीक, एक हफ्ता उसे उधार लेना पड़ता था, लेंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट मंथ तक पैसे आ जाते थे और वो उधार दे सकता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड He would go out and celebrate. बोलता कि वो चिंता करता रहता था कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा, उसकी चिंता होती थी, लेकिन जैसे ही उसका नेक्स्ट चेक आता था वो सेलिब्रेट भी करता था। It seems he wrote for magazines. ऐसा लगता था मुझे कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, मतलब अनिल क्या था, एक राइटर था। A queer way to make living. और यहाँ पे a queer way होता है strange तरीका। अब उस चोर के लिए ऐसा लगता है कि लिखना भी एक तरीका है पैसा कमाने का, तो एक मुझे एक अलग सा स्ट्रेंज सा तरीका लगा ये। तो बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं, कार्यपत्र को हल करना, अब वर्कशीट को हल करना, और वीडियो समझना आए तो दो बार देखना। थैंक्स, जय हिमाचल।